गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड, दैट इज़ अ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड भी कहा जाता है, ज्यामितीय विधि, ग्राफिक विधि और बिंदु विधि। जो हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डेवलप किया था। दिस मेथड मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। जो हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है उसके अंदर भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, लेकिन जो हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड है वो क्या करता है, एक विशेष बिंदु के ऊपर क्या करता है, मांग की लोच को मापता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहा जाता है। आप यहाँ पर जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ओ एक्सिस पे क्वांटिटी और यूनिट्स के लिए, ओ एक्सिस पे हमने प्राइस को रिप्रेजेंट किया। जो हमारा ए बी डिमांड कर्व है, इसको इसके जो बीच का मिड पॉइंट है इसको पी से डिनोट किया, जो ओ एक्सिस पे पॉइंट है इसको बी से, और जो ओ एक्सिस से टच कर रहा है उसको ए पॉइंट से हमने डिनोट किया। ये जो सेगमेंट है पी पॉइंट जो है वो हमारे जो डिमांड कर्व को टू पार्ट्स में कैटेगराइज करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज द अपर सेगमेंट और नीचे वाला लोअर सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर शैल बी ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट पर इसको मेजर किया जाता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मेथड्स ऑफ मेजर द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, इसको मेजर करने के दो मेथड है, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प से और नॉन लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प से भी इसको मेजर किया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीधी रेखा मांग वक्र, और जो रेखा सीधी नहीं होती वो मांग वक्र, जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, लीनियर डिमांड कर्व का है। द इलास्टिसिटी मेजर्स ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। जब इलास्टिसिटी को, मांग की लोच को मेजर किया जाता है डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक लीनियर डिमांड कर्व, एक सीधी रेखा के डिफरेंट पॉइंट्स पर मेजर किया जाता है, जैसे इस डायग्राम के अंदर जब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिमांड कर्व कहा जाता है। जो ये हमारा पी पॉइंट है, हमारी डिमांड कर्व को टू पार्ट्स में हमने ऊपर किया कि टू पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करता है, लोअर सेगमेंट एंड द अपर सेगमेंट। देखो ये वन पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, इसके भी बीच में हमने दो पॉइंट और लिए, एक ई पॉइंट और एक एफ पॉइंट हमने लिया। अगर इसको मेजर करें वन पॉइंट, टू पॉइंट, पी के ऊपर देखें तो वन पॉइंट, टू पॉइंट, लोअर सेगमेंट में पॉइंट कितने हैं, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, टू डिवाइड में टू, जब हम करते हैं टू डिवाइड में टू करते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी क्या निकल कर आई, वन। तो इस पी पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, वन है पड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, द पॉइंट पी इज एट द मिड ऑफ द कर्व दैट डिवाइड द कर्व इंटू अ टू इक्वल पार्ट। जो ये पी पॉइंट है वो हमारे कर्व के मिड पॉइंट पर है, जो हमारे कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन पॉइंट एंड द सेकेंड पार्ट, पी बी डिवाइड में पी ए, और पी बी भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, वन पार्ट टू पार्ट, वन पार्ट टू पार्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट, टू डिवाइड में टू, दैट इज वन। इलास्टिसिटी क्या निकल कर आई है हमारी, वन निकल कर आई। एट अ पी पॉइंट हमारी इलास्टिसिटी कितनी है, वन है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है जिसको। सेकेंड है हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, द पॉइंट ई इज द अबोव द पॉइंट पी। जो हमारा ई पॉइंट है वो कहाँ है, बी पी पॉइंट के अबोव है, ऊपर है, तो लोअर सेगमेंट हमारा, लोअर पॉइंट क्या निकल कर आया, ई बी डिवाइड में ए ई, ई बी डिवाइड में ए, लोअर सेगमेंट क्या निकल कर आया हमारा, ई बी डिवाइड में ई ए, वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट, लोअर सेगमेंट थ्री, अपर सेगमेंट कितना हमारा, वन। जब हमने कट किया क्या निकल कर आई हमारी इलास्टिसिटी, थ्री निकल कर आई, जो ए से क्या है, वन से क्या है, ग्रेटर देन है। तो ई पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन वन, डैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसको कहा जाता है। एट ई पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन है। उसके बाद अब एफ पॉइंट की बात करते हैं, एफ पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट से नीचे की तरफ है। अब लोअर सेगमेंट क्या निकल कर आया हमारा, एफ बी डिवाइड में अपर सेगमेंट एफ ए, एफ बी वन पार्ट डिवाइड में वन टू थ्री, वन बाय में थ्री, जो किससे लेस देन आएगा, वन से लेस देन आएगा। तो एफ पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन वन है पड़ी। एफ पॉइंट पर इलास्टिसिटी, एफ पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी हमारी, लेस देन वन होगी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। द पॉइंट एफ इज द बिलो द पॉइंट पी, देन द इलास्टिसिटी इज एफ बी डिवाइड में एफ ए, जैसे हमने डायग्राम में देखा, पीछे कर्व पर देखा, तो वन डिवाइड में थ्री, जीरो पॉइंट थ्री थ्री, जो वन से क्या है, छोटी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एफ पॉइंट पर क्या होगी हमारी, लेस देन वन होगी।
देन आता है हमारा पॉइंट ए, जो ए पी से क्या है ऊपर है, ओ एक्सिस की क्या है ऊपर है। अब हम देखते हैं लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट कितना है 1, 2, 3, 4 ए बी डिवाइड में ए, तो लोअर सेगमेंट हमारा क्या आया 4 डिवाइड में 0। जब भी हमारी डिनोमिनेटर में 0 होती है तब हमारा आंसर किस में जाता है, इन्फिनिटी में जाता है। तो ए पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमारी इन्फिनाइट आएगी ए पॉइंट के ऊपर। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ, तब क्या वैल्यू क्या आती है हमारी, इन्फिनिटी आती है। तो ए पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनाइट है। अब बात करते हैं बी पॉइंट की, जो कहाँ पे टच कर रहा है, ओ एक्सिस पे टच करता है। तो डेट इज़ द लोअर सेगमेंट एंड द अपर सेगमेंट 1 डिवाइड में 1, 2, 3, 4। लोअर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 0 डिवाइड में क्या आएगा, अपर सेगमेंट में कितने पार्ट्स हैं हमारे, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और हमारी डिनोमिनेटर में क्या है 0, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होती तो हमारे 0 ही आता टोटल, तब भी 0 आता। अगर ऊपर 4 नीचे 0 हो तो हमारा क्या आती है वैल्यू, इन्फिनाइट आती है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, नीचे वैल्यू दी हुई है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। तो बी पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनाइट एट ए पॉइंट, जैसे हमने कर्व में देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टचेस ऑन ओ वाई एक्सिस, जो टच कहाँ पे करता है ए पॉइंट, ओ वाई एक्सिस पे टच करता है, वाई एक्सिस के ऊपर टच करता है, ए बी डिवाइड में 0, 4 डिवाइड में 0 वैल्यू क्या निकल कर आए, इन्फिनाइट। ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हमारी, इन्फिनिटी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। बी कहाँ पर टच कर रहा था, ओ एक्सिस पे टच कर रहा था, इस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हमारी 0। सेकेंड मेथड आता है हमारा नॉन लीनियर डिमांड कर्व हमारा निकल कर आता है, जब हमारी मांग वक्र क्या हो सीधी नहीं हो, सीधी रेखा मांग वक्र नहीं होती, नॉन लीनियर डिमांड कर्व बोला जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑन द पॉइंट ऑफ नॉन लीनियर डिमांड कर्व इज विच टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व विच डिवाइड द कर्व इनटू अ टू पार्ट्स। जब नॉन लीनियर कर्व बनता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ आउट की जाती है। किसके ऊपर, सीधी रेखा के ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जाती है। जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ओ एक्स वाई एक्सिस पे हम, ओ एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी है और ओ एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइसेस को रिप्रेजेंट करें। ए बी हमारा कर्व है, इसके ऊपर एक लीनियर कर्व है, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया डी डी, जो क्या कर रही है, ये पॉइंट हमारे कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, पी बी डिवाइड में पी ए, लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट। तो 1 डिवाइड में 1 अगर हम करेंगे तो 1 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू हमारे क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया। तो हमारे टू टाइप्स के पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। जो हमारी बिंदु विधि होती है उसमें टू पॉइंट्स हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, एक लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प से, एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प से। लीनियर डिमांड कर्व में तो हम क्या करते हैं, लीनियर डिमांड कर्व के अंदर हम डिफरेंट एक लीनियर कर्व के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। और नॉन लीनियर में हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है एक लीनियर कर्व के ऊपर, जिसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया। ये था हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। थैंक यू।